अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुइजा व्लॉग्स। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मिले। आई नो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजी हो गई थी। मेरा एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लाइक 1 मंथ रहता है, लेकिन मेरे कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, कुछ असाइनमेंट्स थी मैंने वो सबमिट करवानी थी, उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी और मैं व्लॉग्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बना सकी। और उसके बाद फिर आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और आज मैंने सोचा कि मैं अपलोड भी इसे आज ही कर दूंगी। और आई होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगे। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब मैं रेडी वगैरह होकर आ गई हूँ क्लासेस की बिल्डिंग के पास। अभी हम जाके क्लास लेंगे। मुझे अभी इस वक्त इतनी भूख लग रही है ना, लाइक मैंने सोचा था आज मैं तैयार हो जाती। मुझे गैस करें कि मैं सुबह सुबह उठ के मैंने लाइनर वगैरह लगा लिया, मैं तैयार होगी, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो ये वाली एक लड़कियों में चीज़ होती है, ये लड़कियाँ ही समझ सकती है कि लाइक कभी कभी हमारा तैयार होना हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है बजाय इसके कि हम जाकर ब्रेकफास्ट बनाएं और हम ब्रेकफास्ट करें। खैर, अभी जो होना था हो गया है। और मेकअप करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद पर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा सा फील कर रही हूँ। लेकिन मुझे भूख लग रही है, तो अभी हम ब्रेक के बाद, हमें ब्रेक होनी है, आज एक ही क्लास है अभी सुबह के टाइम हमारी, तो उसके बाद मुझे ब्रेक होनी है, तो ब्रेक के वक्त हम जा कर ना खा लेंगे। तो अभी खैर मेरी क्लासेज वगैरह हुई थी और हमने क्लासेज ली हैं और हमारे बहुत अच्छे से लेक्चर, जिस लेक्चर में जल्दी टाइम गुजर जाए ना, वो लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होता है। तो खैर अभी मेरा लेक्चर वगैरह हुआ है और अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल वापस। तो अभी हम हॉस्टल की भी बिल्डिंग के पास आ चुके हैं। मैं बस अपनी क्लासमेट के साथ ही निकल आई थी और मैं साथ साथ व्लॉग भी बना रही थी। अभी हम चलते हैं हॉस्टल और जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। इसके बाद मेरी लैब है, तो मैंने लैब के लिए न्यू कैंपस जाना है, तो वो हम आज टुक टुक पर जाएंगे। मैं आज साइकिल चलाकर नहीं जाने वाली। अभी हम सब यहाँ पर टुक टुक का वेट कर रहे हैं, वो आएगी तो हम जाएंगे। और यहाँ पर चाइनीज़ और जिन लोगों ने भी न्यू कैंपस जाना हो तो वो सब यहाँ पर खड़े होते हैं। तो अभी हम लाइन में आ चुके हैं बिकॉज हाफ और हम पहले ही आ गए हैं बिकॉज यहाँ पर लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर ज़्यादा सारा वेट करना पड़ता है। लेकिन हमने जाकर अटेंडेंस वगैरह भी होती है, तो अभी हमने जल्दी से वहाँ पर जाना है, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ तक जाने के लिए टुक टुक लेके लेती है 1 RMB, वन यूएन लेती है। एक यूएन जाने का लग जाता है और एक आने का लग जाता है, तो हम बस अब उसका वेट कर रहे हैं और हम जाएंगे न्यू कैंपस। एंड देन हमारी लैब है, हमारी एनाटॉमी की लैब हो रही है बिकॉज हमारे कोविड चल रहा था जब हमारा एडमिशन हुआ था, तो वो जो लैब वगैरह वो एनाटॉमी की जो है ना वो उसमें गुजर गई थी, तो वो फिर उन्होंने अब अरेंज किए हैं, तो अब हम लैब वगैरह लेने जाते हैं। अभी हम बस चलते हैं न्यू कैंपस और मैं आपको रास्ते में अपनी थोड़ी सी यूनिवर्सिटी दिखाती हूँ जहाँ से हम गुजर रहे होंगे। थोड़ा सा न्यू कैंपस आएगा, वो सारा मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। था वो रास्ता जहाँ से हम टुक टुक पर न्यू कैंपस आते हैं। आपने रास्ते में एक लाइब्रेरी देखी होगी जो जिसकी बहुत ज़्यादा प्यारी बिल्डिंग थी, तो वो हमारी लाइब्रेरी है, वो न्यू लाइब्रेरी है। यहाँ पर 2 लाइब्रेरी हैं, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो खैर ये बहुत प्यारा रास्ता है यहाँ पर आने का। अभी हम आ चुके हैं न्यू कैंपस और यहाँ पर सारी न्यू बिल्डिंग्स है और बहुत अच्छा, यहाँ पर सीन्स बहुत अच्छे हैं। तो खैर अभी हम चलते हैं लैब। और अभी यहाँ पर मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है ना जब भी ये हिजाब में से ये निकल आते हैं बाल छोटे छोटे, तो ये इतना प्रॉब्लम करते हैं। मैं 10,000 दफ़ा इनको अंदर कर चुकी हूँ लेकिन ये हो ही नहीं रहे अंदर, बार बार निकल आते हैं। तो खैर अभी मैं यहाँ से लैब ले तो जाकर
अब जाकर हॉस्टल ही सेट करूँगी, तो खैर हॉस्टल चले जाना है अब नेक्स्ट टाइम। हिजाब कैप ना पहने तो आपके ऐसे बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना। सबकी लैब्स हो रही हैं तो यहाँ पर अभी ज़्यादा सारे चाइनीज़ भी आ रहे हैं लैब लेने, और इतना ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम रश हो जाता है ना, तो बहुत मज़े के यहाँ पर से ये हमारी लैब सेंटर है। लाइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैब्स हैं। यहाँ पर आपको पता है हमारी अभी एक लैब होनी है जिसमें हमने बॉडी एग्जामिनेशन करना, और जिसमें बॉडी प्रिजर्व की हुई बॉडी होंगी चाइनीज़ की, तो वो हम अगर आई डोंट नो यूट्यूब पर वो चीज़ हम दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते कि हम लाइक मेडिकल किसी इंसान की बॉडी और वो लाइक डेड है और उसकी बॉडी दिखा सकते हैं, लेकिन ये मैं कुछ गाइडलाइंस में पढ़ूंगी तो मैं अगर हुआ तो मैं दिखाऊंगी यूट्यूब में ना, तो वो बहुत मज़े की होगी ना हमारी लैब, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम सब जा रहे हैं लैब लेने, और यहाँ पर इतने मज़े के सीन है, ऐसे सारे डॉक्टर्स हैं वो सारे जा रहे हैं लैब लेने। बिल्डिंग में आ चुके, हमारा थर्ड फ्लोर ही हमेशा से होता है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ये थर्ड फ्लोर में भी चेंजेस हो चुके, साथ मेरी क्लासमेट होती है और हम हमेशा देखते हैं कि लाइक यहाँ पर कौन सी चेंजेस हुई है, क्या सीन है, तो ऐसी चीज़ों पर हमारी बहुत नज़र होती है। तो खैर अभी हम लैब के रूम में आ चुके हैं, और अभी हम लैब लाइक हम एक एक चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ कैसे करना है, क्या चीज़ चल रही है, और हमें वो लाइक अभी हमारे टीचर है वो हमें एक वीडियो दिखा रहे हैं, और ये भी बॉडी एग्जामिनेशन है, लेकिन हम जाकर खुद भी बॉडी एग्जामिनेशन करेंगे तो वो सारा बहुत मज़े का होगा। तो खैर अभी हमारी लैब वगैरह ख़त्म हुई थी और हम निकल आए हैं लैब सेंटर से, और अभी हम जाएंगे वापस हॉस्टल। आजकल मैं साइकिल यूज़ नहीं कर रही, मेरी साइकिल को ना थोड़ा सा रस्ट लग गया है, तो वो मैं साफ़ करूँगी, और उसका मैंने अभी कवर भी मंगवाया था। अभी भी किसी किसी दिन इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है और किसी दिन कम हो जाती है, लाइक धूप निकल आती है, लेकिन जब सर्दी होती है सही वाली, यहाँ पर ऐसी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ओवरऑल प्यारी है, यहाँ का वेदर यही है कि गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है, तो कोई वो वाला सीन नहीं है कि गर्मी होती या नहीं होती सर्दी होती है, बहुत दोनों चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर होती हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, और अगर किसी ने एडमिशन लेना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी होगी, मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो खैर अभी हमने लैब वगैरह लिए और हमें बहुत मज़ा आया आज की लैब में, और अभी हम निकले और बाहर वेदर इतना मज़े का था ना, और मुझे आज अच्छा बिकॉज आज मैं तैयार हुई थी तो मुझे सब कुछ ऐसे अच्छा अच्छा फील हो रहा था। जिस दिन मैं तैयार होना तो सब कुछ आपको अच्छा फील होता है, बिकॉज आप अपनी मर्जी का काम, अगर आपकी कोई हॉबी है लाइक मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है तो, लेकिन यहाँ पर मैं पाकिस्तान थी, मैं इतना मेकअप करती थी, मैं इतनी वीडियोस बनाती थी, लेकिन यहाँ पर आकर टाइम ही नहीं मिलता इतना कि आप इतना यूज़ करो, मेरा अभी मेकअप ऐसे पड़ा रहता है, तो पहले जब होता था ना मेरा मेकअप हर मंथ ख़त्म हो जाता था, ये वाला सीन होता था, लेकिन अब तो खैर अभी हम चलते हैं टुक टुक पर वापस हॉस्टल, और हॉस्टल जाकर हम रेस्ट वगैरह करेंगे, कुछ खाना वगैरह खाएंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, और अपने जो भी काम है वो करेंगे, और बिकॉज़ अभी हमारे एग्ज़ाम के दिन करीब आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हो रही है, तो इतने ज़्यादा काम चल रहे हैं ना, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट और जल्दी व्लॉग अपलोड करूँ। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप सो आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।